नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका लाइव तस्वीरें। आप देख पा रहे हैं खरखोदा जो अनाज मंडी है वहां से जो लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। और यहां पर राकेश टिकैत पहुंच चुके हैं, साथ में आप जो हरियाणवी गायक है अजय हुड्डा है वो पहुंचे हैं। और तमाम तस्वीरें हैं हम आपको लगातार दिखाएंगे सिटी तहलका के माध्यम से। और आप लोगों से गुजारिश है कि इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस खबर तक पहुँच पाए। लाइव तस्वीरें आप सिटी तहलका के माध्यम से देख पा रहे हैं और खरखोदा अनाज मंडी से सिटी तहलका के माध्यम से लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। और जितने भी दर्शक हैं उनसे गुजारिश रहेगी कि आप इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब इसके अलावा ये स्टेज है, राकेश टिकैत पहुँचे हैं, साथ में जो हरियाणवी गायक है अजय हुड्डा है वो भी पहुँचे हैं। और कुछ और पीछे की तस्वीरें दिखाएंगे हम आपको कि कैसे जो है खचाखच आप देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पर पंडाल के अंदर हैं चारों तरफ जो लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। और सुबह से करीब 9 बजे से यहाँ पर लोगों का आना शुरू हो चुका था। ये महिलाओं का जो पंडाल है वो अलग से व्यवस्था की गई है बैठने की। ड्रोन कैमरा है यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है। ड्रोन कैमरा इसलिए भी लगाया गया है कि ताकि जो कोई असामाजिक तत्व है किसी तरह का कोई खलल ना पैदा करे, इसके लिए निगरानी के लिए भी ये है लगाई गई है। जो ड्रोन कैमरा है वो लगातार जो चारों तरफ है स्टेज के आसपास से वो यहाँ पर घुमाया जा रहा है ताकि जो आसपास स्टेज है और जहाँ पर लोग बैठे हैं वहाँ का दृश्य जो है वो कैप्चर कर सके। तमाम जो तरीके की तस्वीरें हैं वो हम आपको लगातार सिटी तहलका के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। हरियाणा के कलाकार हैं ये भी पहुंचे हैं यहाँ पर। फिलहाल इन्होंने रागनियों से जो है हरियाणवी रागनी देशभक्ति रागनियाँ हैं उससे जो यहाँ पर किसान आंदोलन में जो आंदोलनकारी किसान हैं उनका मनोरंजन किया, उनका उत्साह बढ़ाया इन्होंने। साथ ही साथ जो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी खबर से जुड़ सकें। जो है नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की कोई घटना ना घट सके, कोई असामाजिक तत्व है वो यहाँ पर कोई खलल ना पैदा करे, इसलिए यहाँ पर ड्रोन कैमरा है उसको भी चलाया जा रहा है। लाइव तस्वीरें सिटी वॉलंटियर है झंडा लेकर खड़े हैं, व्यवस्था को देख रहे हैं। डंडों क्यों जरूरत पड़ी है, डंडा क्यों लेके खड़े हैं आप? डंडे इसलिए लेके खड़े हैं कि जनता अफरा तफरी ना मचाए। और बहुत बढ़िया मैनेजमेंट रहे, ज्यादा झगड़ाबाजी ना हो किसी का, अच्छी तरह पंचायत चले व्यवस्थाओं को संभालने के लिए। वॉलंटियर है तमाम करीब
जो किसान नेता है उनसे हमने बात की तो उन्होंने बताया कि करीब 1000 जो वॉलंटियर है यहाँ पर उनकी व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी तरह की कोई जो असामाजिक तत्व है स्टेज के आसपास जो है भीड़ में कोई उपद्रव ना करके और जो जिससे कि कोई ऐसी अप्रिय घटना ना घटे इसलिए यहाँ पर जो है वॉलंटियर्स है वो लगाए गए हैं। भीड़ देख पा रहे हैं आप सिटी तहलका के माध्यम से, लाइव तस्वीरें आप फिलहाल खरखोदा अनाज मंडी से देख पा रहे हैं जहां पर किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंच चुके हैं और ट्रैक्टरों पर भी जहां पर भी आपकी नजर जाएगी वहां आप विश्वास करना चाहते हैं हरियाणा के सभी बुजुर्ग सभी नौजवान सभी माताएं बहने क्यों आयो यहाँ पे अपने इन तीनों कानूनों के बारे में सुन रहे के मामला के जी हम तय पंचायत के जो ये बड़ो कास्ट कर रहे हैं वो सुन खातिर आए मांगों का लेखक और लोग हैं महिला हैं उनसे भी बातचीत कराएंगे आपकी। क्यों बैठे हैं, क्यों आना पड़ा आप लोगों को यहाँ? हम काले कानून वापस लेने आए हैं, अपने काले कानून वापस लेके आ रहे हैं। अपने काले कानून लेके लेने आए हैं और लेके रहेंगे, संघर्ष करेंगे। मोदी ने बता रहे हैं काम किसी से कम नहीं है और अपने काले कानून लेके ही रहेंगे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। सरकार तो मान ही नहीं रही आप लोगों की बात। मानेगी क्यों ना मानेगी, हम इतने यही धरना देंगे, धरने पे भी जाएंगे, हरकती लेके ही रहेंगे। कैसे मनाओगे सरकार को? मानेगी सरकार, मानने क्यों नहीं, आगे वोट नहीं लेनी क्या? हम कति नहीं देंगे, अपने अपने घर रखेंगे और अपने फसल ने हम कति उजाड़ा नहीं गए, कति अपने काम भी करेंगे, धरने पे भी जाएंगे, धरना भी देंगे। महिला है, जागरूक है और इसके अलावा और तस्वीरें हैं जो हम आपको सिटी तहलका के माध्यम से दिखाएंगे। तमाम जो स्टेज है, अजय हुड्डा है वो पहुंच चुके हैं यहां पर, जो अपनी प्रस्तुति है वो देंगे। फिलहाल लाइव तस्वीरें आप सिटी तहलका के माध्यम से देख पा रहे हैं जहां पर अजय हुड्डा है, हरियाणवी गायक है, वो पहुंचे हैं और जो अपने एक इनका आज नेम फेम जो बन चुका है, इनके ऊपर एक FIR भी दर्ज हुई थी दिल्ली में, इनकी एक FIR भी दर्ज हुई है। आप लाइव तस्वीरें आप सिटी तहलका के माध्यम से देख पा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, हर जगह महापंचायतें हो रही हैं, इसकी आवाज थोड़ी ठीक कर दे भाई। अगर हम साथ रहे हुई तो वो दिन दूर नहीं है काले कानून सरकार को वापस लेने होंगे। ये जो महापंचायतें हैं इनका सबसे बड़ा असर है, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि वक्त बहुत है, आप लोगों को बता ही रहे हैं शुरू से।
जी आपको इसी तरीके से बहुत अच्छी प्रस्तुति आगे भी देते रहेंगे। अजय जी तो मैं बुलाना चाहूंगा, जैसा कि भाई अक्षय ने बताया था, जैसे बीजेपी वाले भी है, वो कह रहे हैं एफआईआर बातचीत करवाएंगे आपकी, एफआईआर भी कटगी को गाय नुए का दूंगा और अगले हफ्ते इसका दूसरा पार्ट आने लग रहा है। धन्यवाद अजय भाई। अजय जी, अजय जी बीजेपी वाले कहते हैं कि अमित शाह उनके चाणक्य है, वो हमारे बस जो चला गया है पूरा टाइम उसके बारे में नहीं बात करना चाहूंगा, बात ये करना चाहूंगा कि ऐसी एफआईआर अगर 10 भी करती हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी जगह अलग अलग आंदोलन की जगह है वहां पर पहुंचते हैं, किस तरह महसूस करते हैं आप? अभी पूरे देश का किसान एक हो रहा है, पूरा देश किसान की सपोर्ट में खड़ा हो चुका है, अब वो टाइम दूर नहीं है कि काले कानून सरकार को वापस लेने पड़ेंगे। युवाओं के लिए बस इतना संदेश देना चाहूंगा, तन मन धन तीन तरीके होते हैं सपोर्ट करने के, किसी भी तरीके से आप किसान आंदोलन को सपोर्ट कर सकते हैं और सबको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये अन्नदाता की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई है, हमारे देश के भगवान की लड़ाई है। किसान आंदोलन फिलहाल कौन सी स्टेज पर है, किस जगह उठा है 26 जनवरी के बाद या कम हुआ है? नहीं अब बढ़ रहा है बिल्कुल, सिर्फ दिल्ली के अंदर था जो किसान आंदोलन, अब वो गांव-गांव पहुंच चुका है, जैसे जैसे महापंचायतें हो रही हैं उससे पता चल रहा है कि हर गांव के अंदर हर घर के अंदर पहुंच चुका है, जब हर घर के अंदर पहुंच चुका है तो वो दिन अब दूर नहीं है कि हमारी जीत सुनिश्चित है। जब हम पहले दिन दिल्ली पहुंचे थे, सबसे पहले दिन जब हम दिल्ली पहुंचे थे 27 तारीख को मैं दिल्ली पहुंचा था, तब वहां पे युवाओं के अंदर मैंने देखा जो वीडियो कॉल्स कर रहे थे सब प्राउड के साथ बोल रहे थे कि हम दिल्ली आ गए दिल्ली आ गए, बस वहीं से वो लाइन उठाई और तब उसका सॉन्ग बनाया। हाँ कदर किसान की इससे पहले रिलीज हो चुका था, लेकिन जो इस गाने ने प्यार दिया अभी इसका दूसरा पार्ट लेके आ रहा हूँ मैं अगले हफ्ते। देखिए हठ योग बोल सकते हैं, सरकार का हठ योग है ये, इससे ज्यादा कुछ नहीं है और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा, पंजाब में भुगता है, अब यूपी में बंगाल में भुगतेगी, उसके बाद पता चल जाएगा। सरकार अभी भी समझाने की कोशिश कर रही है, खाप चौधरी के पास जा रही है, क्या कहेंगे? नहीं वो समझाने की कोशिश नहीं, कोई बीच का रास्ता खोजने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस चीज का कोई बीच का रास्ता नहीं है, किसान ने मन बना लिया है कि उसे काले कानून नहीं चाहिए तो बस नहीं चाहिए, इसका कोई बीच का रास्ता नहीं है। कल मुख्यमंत्री खट्टर का करनाल में एक बयान आता है और उन्होंने बताया कि जो ज्यादातर लोग वहां पर किसान आंदोलन में बैठे हैं उन्होंने बिल को पढ़ा ही नहीं है। क्या नहीं है? उन्होंने बिल को पढ़ा ही नहीं अभी तक, वैसे ही बैठे हैं ये खाली जो राजनीतिक प्रेरणा के हिसाब से। तो मैं खट्टर जी को भी एक चीज कहना चाहता हूँ कि उन्होंने भी किसानी की नहीं है तो उन्होंने बिल कैसे बना दिया, जिन्होंने किसानी की नहीं खेती की नहीं उन्होंने बिल को बना दिया। आपका सिटी तहलका के माध्यम से देख पा रहे थे और खरखोदा जो है अनाज मंडी में है और दृश्य आप देख पा रहे हैं स्टेज के पीछे का जो दृश्य है जहां पर तिरंगा झंडा है किसान झंडा है साथ साथ। और अलग अलग जो तरीके की है वो तस्वीरें हम आपके साथ साझा करेंगे सिटी तहलका के माध्यम से। और आप जितने भी दर्शक इस खबर को देख रहे हैं आप सभी से गुजारिश है कि इस जो खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक भी ये खबर पहुंच सके। राकेश टिकैत को आप देख पा रहे हैं स्टेज पर है और इनका थोड़ी देर के बाद जो है अभिभाषण है वो शुरू होगा, इसके बाद इनको राजस्थान के जो है हनुमानगढ़ है एक वहां पर भी महापंचायत का आयोजन किया गया है वो वहां पर पहुंचेंगे। सरकार कहती है प्रधानमंत्री ने नाम दिया और लोग हैं उनसे भी हम आपकी बातचीत कराएंगे कि क्या सोचते हैं आप इसको किस तरीके से देखते हैं और क्या इनकी राय है, क्या ये जो इस जो लगातार किसान आंदोलन चल रहा है और इसको किस तरह के अब कम हुआ है या उतना ही बैलेंस होकर चल रहा है या फिर कुछ बड़ा है,
युवा हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। खरखोदा पहुंचे आप किसान महापंचायत का हिस्सा होने, क्या आप किस लिए आए हो यहाँ पर? हम आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं और भाई साहब हम किसान हैं, हम अपना हक वापस लेंगे। जो ये कानून इन्होंने सरकार ने हमारे ऊपर लागू करे हैं, इनको उनको वापस लेना चाहिए। इतनी पब्लिक को देख के तो उनको ये समझ जाना चाहिए कि इतनी पब्लिक को देख के तो सरकार को समझ जाना चाहिए कि अकेले वो नहीं है इस देश में। इस देश का हिस्सा मतलब किसान है, अकेली सरकार नहीं है। उनको ये कानून सारे वापस लेना चाहिए। और सभी भाई देखो, हमारी माताएं बहनें बेचारी बूढ़ी औरतें जितनी भी हैं वो सभी यहाँ पे आके बैठती हैं, उनका भी घर है। सरकार को ये काले कानून वापस ले गए और इनको अपने अपने घर भेज देना चाहिए, क्योंकि तीन तीन महीने हो गए यहाँ पे। कोई भूखा ही बैठा होगा, कोई छक्का बैठा होगा, लेकिन सरकार अभी सरकार की जून ही चल रही। अगर कल को कुछ ज्यादा गलत हो जाता है तो उसकी जिम्मेदार सरकार होगी, ठीक है। कितना लंबा चलेगा और आंदोलन, क्योंकि फसल आ चुकी है आप लोगों की? आंदोलन तब तक चलेगा जब तक सरकार काले कानून वापस नहीं लेती, और 2024 में अगर उन्होंने ये कानून वापस नहीं लिया तो हम सरकार का तख्ता ही पलट देंगे। इस सरकार को बनाएंगे नहीं, दूसरी सरकार को लेके आएंगे। फसल आ चुकी आने वाली है, और फसल को फिर दोनों चीजें कैसे साथ साथ चलेंगी? चलेंगी हमने, अरे अरे किसान आपस में अपनी अपनी हेल्प कर रहा है। कुछ दिन दूसरे भाई जाते हैं, कुछ दिन दूसरे भाई, लेकिन आंदोलन को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। जितना भी हो सकेगा सहयोग करेंगे, अपनी फसल को भी संभालेंगे और आंदोलन को भी संभालेंगे। लगातार आप सिटी तालका के माध्यम से लाइव तस्वीरें दिखवा पा रहे हैं। सामने जो स्टेज है, किसान महापंचायत चल रही है, सर्व जातीय किसान महापंचायत खरखोदा से आप लाइव तस्वीरें सिटी तालका के माध्यम से देख पा रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें हैं और यहाँ पर हरियाणवी कलाकार हैं, अजय हुड्डा पहुंचे हैं, राकेश टिकैत जी पहुंचे हैं, और जो संयुक्त किसान मोर्चा के कई जो बड़े नेता हैं वो भी यहां पर पहुंचे हैं। उनकी भी जो बयान है वो हम आपसे साझा करेंगे। लाइव तस्वीर आप सिटी तालका के माध्यम से देख पा रहे हैं। ये मंडी बनी थी उस लूट के खिलाफ, उस शोषण के खिलाफ, उस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ जो सदियों से। लाइव तस्वीर आप सिटी तालका के माध्यम से देख पा रहे हैं। प्रोग्राम ने किसान को शोषण से मुक्त कराने के लिए इस मंडी की स्थापना की थी, लेकिन ये दोबारा से वही व्यवस्था अडानी और अंबानी किस तरह से हमारी जमीन पे कब्जा करें, किसी किस तरह से इस मजदूर और किसान को बेकार और बेरोजगार बनाए, केवल मात्र उसके लिए बनाए आगे गए। पहला कानून मंडी कानून में संशोधन का है, ज्यादा आपको गलती नहीं बोलूंगा। और मैं ये बता रहा कि आप किसी को जवाब दे सकते। लाइव तस्वीरें सिटी तहलका के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, और लगातार आपसे गुजारिश है कि इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी हैं वो इस खबर तक पहुंच पाए और लोग भी जुड़ सके। किसानों से माल खरीदा, थोड़ा ज्यादा पैसे देने का लालच लेके 200 करोड़ रुपए क्या था कि ताई उरा है आंदोलन में जी, आंदोलन में क्या बताएगी? अपने कृषि के भाई के लिए, किसान भाई के लिए, पंचायत है, पंचायत माँ पंचायत है इसके लिए। अच्छा, मान्य नहीं रहा सरकार को, ये तो ये कौन मान रहे? मम्मी मांगना होंगे हम लेंगे अंगे तो कति गलाऊंगे गुणाएं। कहाँ से आए हो? हम सुसाना से, सुसाना से, बिगलान सुसाना से। फसल आने वाली है आप लोगों की, गेहूं की फसल पकने वाली है, कैसे करोगे आप इसको? कैसे आंदोलन तो आप कमजोर पड़ जाएगा आप लोगों का। मैं करा पर इन तो नहीं देंगे। ये कानून तो चौधरी चरण सिंह बना के चले गए थे, नरेंद्र मोदी कहां से आ गए इसके बीच में? फिलहाल जो लाइव तस्वीर आप सिटी तहलका के माध्यम से देख पा रहे हैं, और लगातार आप लोगों से भी गुजारिश है कि इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक भी ये खबर पहुंच पाए, साझा हो सके। मंडी कानून जब कांग्रेस के टाइम पे संसद में कहां से आया? सुषमा क्या करने आए यहाँ पर? अपना हक लेना आए हैं। किस तरह का हक लेंगे? जो ये काले कानून सरकार ने लाए हैं, लागू करे हैं, इनको तोड़ने के लिए आ रहे हैं। सरकार तो मान ही नहीं रही आप लोगों की। मान जाएगी ना? मानेगी क्यों ना? ऐसे मनाओगे? ऐसे ही मनावेंगे, अपनी दिल्ली बोल देंगे, अपनी एकता दिखावांगे, अपना हक लेकर जाएंगे। फसल जो है गेहूं की आने वाली है,
और लगातार किसान आंदोलन भी चल रहा है। अब आंदोलन तो कमजोर पड़ जाएगा जब फसल आएगी, फसल की कटाई शुरू हो जाएगी। नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी, हम अपनी फसल अपने खाने जोगे की लेके आएंगे खेत से, बाकी उसमें आग लगा देंगे। हम आंदोलन को कम नहीं होने देंगे बिल्कुल भी। अलग अलग राय है और काफी रोष है सरकार के प्रति, और इन्होंने बताया कि जो है फसल को चाहे आग लगानी पड़े लेकिन हम अपना हक जो है वो सरकार से मनवा कर रहेंगे। लगातार स्वीकृति हल्का के माध्यम से आप देख पा रहे हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी है, वो पहुंच चुके हैं यहां पर। उन्होंने रिकमेंड किया था कि किसान को एमएसपी पे खरीद की गारंटी। गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी है, पहुंचे हैं। किसान का एक भी दाना एमएसपी से कम से देखना नहीं चाहिए। इसी पार्टी के चुनाव के घोषणा पत्र में 2014 में यह कहा गया था कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे। लाइव तस्वीरें सिटी दहलका के माध्यम से देख पा रहे हैं, जहां पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी हैं, राकेश टिकैत जी हैं, और आज किसान जो महापंचायत का आयोजन किया गया है खरकोदा में, वहां पर पहुंचे हैं शिरकत करने के लिए। और अभी इनका थोड़ी देर में अभिभाषण है, वो आपको सुनने को मिलेगा। कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम आपकी बातचीत करवाएंगे। हम तो एमएसपी दे ही नहीं सकते, नहीं दे सकते थे तो घोषणा पत्र में वायदा क्यों किया था? वो जो कानून जिनका ये कांग्रेस के टाइम में विरोध कर रहे थे, यहाँ पहुंचे हैं क्या करने पहुंचे हैं यहाँ पर? यहाँ दिने जो तीन काले कानून बनाए हैं सरकार ने, इसके विरोध में ये जो हमारी सर्वोच्च जातीय महापंचायत का आयोजन है, इसके लिए हम यहाँ आए और ये सरकार से मांग करते हैं भाई ये जो तीनों काले कानून है इनको वापस लिया जाए। ये किसानों के क्या एक डेथ वारंट है ये, और इसको किसी भी कीमत पर 90 दिन हो गए हैं, सरकार ने अभी तक इसके बारे में एक विचार बिल्कुल भी नहीं किया। ये बड़े शर्म की बात है। किसान दाता किसान अभी खेत में अन्न के लिए अपनी तैयारी कर रहा है, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगती है। तो मैं फिर अनुरोध करता हूँ ये सरकार से कि भाई इन कानूनों को वापस लेकर के किसानों के हित में अपना काम करें। आंदोलन लगातार 3 महीने हो चुके हैं इसको चलते हुए, और सरकार भी नहीं मान रही, आप लोग भी नहीं मान रहे। हमने तो वार्निंग दे रखा डेट, हम एक साल का हमारे सामने आपके किसान नेता आए हुए हैं, उन्होंने भी पहले कहा है, हमने अक्टूबर का टाइम दिया है। हम बिल्कुल भी नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि ये किसान के हित में है ही नहीं। अगर ये हित में होते तो हम मानते, बिल्कुल हित में नहीं। अब फसल आने वाली आप लोगों की, किसान आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा इससे? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। हम किसान, हम खेत में भी काम करेंगे और आंदोलन को दोगुना रूप देंगे आंदोलन को। जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं, जो काम जिसके घर में कम है वो आंदोलन चलाएंगे, हमारे जो काम करने वाले हमारे साथ जितने भी है सहयोगी है, हम वहाँ जाके खेत में काम भी करेंगे, किसी भी हालत में आंदोलन को कमजोर नहीं होने देंगे। राकेश टिकैत को कितना सीरियस लेते हैं आप लोग? हमारे किसानों के नेता हैं जी, और जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे ना, तब तक हम यहाँ से साल लगो, दो लगो, चार लगो, उल्टे नहीं हटेंगे। जब तक काले कानून वापस नहीं होते, सरकार हम एमएसपी की गारंटी नहीं देती, तब तक उल्टे हटने वाले। कहाँ से आए हो? हम गोपड़पुर गाँव से हैं। तो फसल आ जाएगी आप लोगों की? हमारे फसल हम कटवा देंगे, बो आ देंगे, लेकिन वापस नहीं हटेंगे। नुकसान होगा इससे तो आप? नुकसान को बर्दाश्त कर लेगा किसान? नुकसान को किसान बर्दाश्त कर सकता है? अभी दो साल, चार साल, पाँच साल, अभी कई गांव में आपने देखा होगा कई जगह पर किसानों ने अपनी फसल को बहा दिया है, लेकिन ये गलत है। लेकिन हम अपना काम भी करेंगे और आंदोलन को दोगुना रूप देंगे, किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे, कानून पहले वापस करवा के ये दम। यूथ भी है हमारे साथ में, यंग जनरेशन है, और उनकी क्या राय है, क्या सोचते हैं इन? के माध्यम से लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, किसान आंदोलन जो है उसको लगातार जो
इन लोगों ने बताया कि हम जो उसको कमजोर नहीं होने देंगे और फिलहाल फसल चाहे आ जाए लेकिन हम दोनों जगह जो है वहां पर फसल भी काटेंगे और साथ के साथ आंदोलन को भी तेज करेंगे, इनका कहना है। लगातार आप सिटी तहलका के माध्यम से देख पा रहे हैं जो लाइव तस्वीरें हैं। वो तो दिल्ली की तरफ चले ही चले, जो घर रह गए हैं उनको भी साथ लेके चले, एक इतना बड़ा जनसैलाब दिल्ली की तरफ चले कि ये दिल्ली वाले दिल्ली छोड़ के भाग जाए, आपको न्योता देने आए हैं। आपको जाके जबरदस्त करें, ये दिल्ली वाले का न्योता फसल में आपको जिस दिन आपका नेतृत्व आवाज दे पैदल ही दिल्ली की तरफ पर देना, इस दिल्ली में आपकी एक रुपया फसला नहीं चाहिए, ये मेरा आवाज है। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी युधवीर सिंह जी का। मैं निवेदन करूंगा आज की मीटिंग प्याज की पंचायत की अध्यक्षता कर रहे नरेश भैया जी से, हमारे बुजुर्ग कृषक प्रधान जी से, कि वो चौधरी युधवीर सिंह जी का पगड़ी पहना रहे और उनका मान सम्मान करे। निवेदन करता हूँ नरेश भैया जी से और कृषक प्रधान जी से, हमारे किसान समाज के चालक है, और मैं आपसे एक ऐसा परिचय कराना चाहता हूँ जो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हरियाणा की आन बान शान सरदार गुरनाम सिंह कटनी जी हमारे पीछे आ गए हैं, एक बार जोर से तालियां से उनका स्वागत किया जाए। जिस तरीके से अंग्रेजों ने पूनम पंडित जो है वो भी फिलहाल पहुंची है, किसान जो महापंचायत है खरखोदा में रखी गई थी और परिचय की मोहताज नहीं है, जानते हैं तमाम जगह सुर्खियों में रही है और इनको भी हम आपको सिटी तहलका के माध्यम से दिखा रहे हैं। पूनम पंडित पहुंची है, लगातार आप सिटी तहलका के माध्यम से देख पा रहे हैं। राकेश टिकैत जो है उनका अब संबोधन शुरू होगा सिटी तहलका के माध्यम से, आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। आप इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस खबर से जुड़ सके। खबर को आप उससे गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक वॉइस ओवर प्लीज ये वॉइस आपकी जाएगी, प्लीज रिक्वेस्ट। पहुंच चुके कानून की जानकारी नहीं है, ये सब इस बात को लग रहे हैं। मंत्री संसदीय होते हैं
खेत में पड़ जाता है, अगर उसकी फसल ठीक रेट में बिक रही है तो कानून ठीक है। अगर राजस्थान का बाजरा यहाँ पर ठीक रेट में बिक रहा और हरियाणा का बाजरा ठीक बिक रहा है तो कानून बढ़िया है। ये किस तरह से लूट कर रहे हैं बिहार उत्तर प्रदेश सारी फसलें धान की 700 से 800 करोड़ रुपया में आज भी केंद्र के उत्पाद देखोगे हजारों ट्रक बिहार उत्तर प्रदेश आता है क्षेत्रों के अंदर उसका रेट है 700 से 800 रुपया क्विंटल और कानून पर जारी है। कानून की जानकारी के साथ नहीं है उसके फसलों को आप खरीदोगे आपके रेट में और कानून पर क्या बताओगे। मंत्री के बयान के भीड़ जुटाने से कानून भी बदले जाते इनकी कुटी भड़क होगी भीड़ टूटने से सरकारें बदलती है ये पागल हो गए सारे के सामने इनके दिमाग खराब हो रहे। अरे अभी तो यहाँ के नौजवान ने ये कहा कि हमारे बिल वापसी दे दो अभी नारा नहीं लगाया कि सबका वापसी दे दो अभी बिल वापसी की बात करिए उसमें कमेटी के लोग हैं हमारे हमारे 40 आदमी है सब लोगों ने उनका विश्वास जताया है हमारे लोगों पे खान परिषद को ने विश्वास जताया हरियाणा पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों ने विश्वास जताया यहाँ के किसानों ने विश्वास जताया है खान परिषद का सपोर्ट जिस तरह से 40 लोगों को जो मेंबर है उनको मिला हुआ है पूरे देश में ये जारी है इन्हें लेना पड़ेगा सीट बिल बीच का कानून बीच की पुलिस बनेगी
बहुत से